हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट पूरा करिएगा। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। हम लोगों आगे दिखाती हूँ क्या क्या होने वाला है। मम्मी, ये कितना सारा पौधा क्यों ले लियो? आज लिए हैं। देखिए गाइस, ये जो है ये सुख जो है धन लक्ष्मी है, ये जो है तुलसी जी आज लिए। मेरा ठंडी में ना तुलसी जी सारा सूख गया था। ये क्या खाद है क्या? हाँ, सारा पौधा मेरा जो है ठंडी में सूख गया था। तुलसी जी ना ये सामा है, रामा नहीं है। सामा रामा मतलब? जो ना सामा होती है तो काला पत्ती होता है ये। अच्छा नहीं, लाल। अच्छा हाँ हाँ, लाल पत्ती होती है। हाँ, लाल होता काला है। पत्ती होता है। दो किता नहीं, लाल होता है। हाँ, दो किता की तुलसी होती है, इसके पास नहीं था तो ये अब कल। सही कौन से होता है मतलब? ये काला वाला होता है, ये श्यामा। ये सही होती है, ये बात नहीं है। तो तुलसी ना ये देखो, ये खाद ली है। अब जो है कल एक किलो है क्या? एक किलो है ये। अच्छा, एक किलो का पैकेट है। और क्या, यही है 50 रुपए का। और इसको कल लगवाऊंगी। इनके पापा से हाथ से लग जाता है तो इन्हीं से लगवाएंगे, क्योंकि सीढ़ी पे रख रखी कहीं और रख देना चाहिए था। अभी ले जाएंगे, अभी पापा आएंगे तुम्हारे तो ले जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा आटा क्यों रखा है। तो मम्मी के हाथ में दर्द हो रहा था तो अभी मैं आटा सानने जा रहा हूँ। गाय देखिए, आज मेरे हाथ में दर्द था बहुत ज़्यादा, मैं आटा नहीं गूंद पा रही थी। तो आज आर्यन जो है आटा सान रहा है। आर्यन, अच्छा लग रहा है आटा सानने में? बहुत मेहनत लग रहा है। और इतना सारा आटा सान लिया है, सुबह शांति भी सान दिया क्या आर्यन? हाँ, निकाला था, अरे तो बहुत ज्यादा, 1 किलो आटा है। नहीं, इस सुबह को भी हो जाएगा, रख देंगे आटा सानने वाले ने कैसा। देखिए इतना सारा आर्यन आटा साना है। आर्यन, हाँ? आज ज्यादा खाएगा कि कम खाएगा? तो रोज की तरह खाऊंगा। आज मेहनत किया है ना। तब गाय, आज इनको ना इस आटे के मैं पूड़ी बनाकर खिलाऊंगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आज जो है इनको पूड़ी बनाऊंगी। फ्रेंड्स, एक मिनट, फ्रेंड्स ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो आटा सान लेते हैं तो ऐसे क्यों करते हैं? मतलब जैसे सान लिए ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? मम्मी का भी देखा है, ऐसे क्यों करते हैं? कमेंट्स बताइएगा। A few moments later. तो फ्रेंड्स, पड़ोस में मम्मी का बुलाया था क्योंकि आज सत्यनारायण भगवान का पूजा था, है ना मम्मी? हाँ, सत्यनारायण भगवान का पूजा था मेरे बगल में। बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे पंडित जी जो है। आज बहुत अच्छा लगा सुनकर मुझे कथा इनका। मम्मी और कुछ बताओ ना, मतलब पूजा में क्या क्या हुआ आज? पूजा में एक बात बताऊं मैं, ज्ञान के गुरु जी क्या बताए हैं? क्या? देखो ये जो उंगली है, इस उंगली से जो भगवान को टीका लगता है और बीच वाले उंगली से अपने टीका लगाया जाता है। ये जो इस वाला उंगली है इसको, इसके बगल में ये पितृलोक को लगता है। अच्छा, हाँ बताए हैं आज गुरु जी। मुझे भी मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज़। मुझे भी नहीं पता था आज एक गुरु जी बताए हैं कथा में। और अंगूठा को भी बताए हैं, पता नहीं क्या अंगूठा को बताए हैं, दिमाग से निकल गया मेरे। अंगूठा को पूजा पाठ में जाने का ये फायदा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात बताए हैं कि जिस उंगली से भगवान को लगाओ इसी उंगली से अपने टीका मत लगाओ, बीच उंगली से लगाओ। अच्छा, इस उंगली से पितृलोक को लगता है टीका, जो मतलब नहीं है। A few moments later. तो मैं आज क्या बना रही हो? बना रहे हैं पालक का निमोना। पालक निमोना? ये पालक का सीजन में सर्दी में ही होता है ना? पालक का सीजन तो जा रहा है गाय, ये तो पालक का सीजन जा रहा, सर्दी गया तो पालक गया। तो मतलब ये अभी तो मार्च, तो अभी तो मैं होना नहीं चाहिए फिर शायद। बस वही आखिरी है, जब जो चल जाए 10-15। मैं सर्दी में मतलब जो हरी सब्जी है, सर्दी में होती है हरी सब्जी, जैसे पालक हो गया और वो सब नहीं होता, बथुआ। पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, सरसों का साग हो गया, सब अब ठंड में आता है। ठंड गए, सब गया, बस यही पालक है, जो 2-4 दिन मिल जाए, इसके बाद नहीं मिलता। मिलता है, कम मिलता है, गर्मी में कम मिलता है पालक। कहाँ जा रहा है, एक दिन बना कर खा लेनी मोना। तो फ्रेंड्स, मम्मी कभी चाय पीने का मन कर रहा है तो अभी मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। मैंने पानी चढ़ा दिया तो अभी जरा उस पर छोटी छोटी इलायची डाल लें।
तो छोटी इलायची डाल दिया। गाइस जो आज आर्यन चाय बना रहा है, फ्रेंड्स अभी देखिए मम्मी साग छील मतलब साग साफ कर रही थी तो बोली लाओ मैं दिखा देती हूँ, दिक्कत होगा दिखाने में। तो जो है आर्यन अच्छा बना। अच्छा गाइस एक बात आप लोगों से पूछनी है, क्योंकि आर्यन का टकला करवा दी हूँ, आर्यन का टकला करवा दी हूँ, मुझे गाय हंसी आ रही है। कमेंट में बताइएगा ये कैसा लग रहा देखने में गाइज, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये टकला करवा नहीं रहे थे, इनके सर पे बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो मैं बोली बेटा कब टकला करवा लो, क्योंकि गर्मी है और छुट्टी भी हो गया, पेपर भी हो गया, इसीलिए मैं इनका टकला करवा दी हूँ। और बाल भी आ गया है, संडे को हुआ था, अब इस संडे आएगा तो हफ्ता भर हो जाएगा ना रे आर्यन। तो फ्रेंड्स आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और कहाँ कहाँ से देखने जरूर कमेंट में बताइएगा, और ढेर सारा लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। ओके बाय।